देखो ना माँ कितनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ नाच रही हैं, वो भी दीप दान करके। देखो ना माँ तुलिया भगवान के सामने, देखो ना माँ कितनी सुंदर सुंदर कन्या नाच रही हैं तुलिया भगवान के सामने। देखो ना माँ वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। चलो ना माँ। नहीं कुंवर जी, मुझे नाच गाना देखना अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर के लिए ही चलो ना माँ। नहीं कुंवर जी, तुम तो मेरे लाल हो ना, फूल के दीपक हो ना, मेरी बात मान जाओ। चलो मैं तुम्हें भोजन करा के सुला दूँ। तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊँगा। ना ही मैं फूल का दीपक बनूंगा, ना ही मैं सैया को सुनूंगा, ना ही मैं भोजन करूंगा। मैं सुनो कुंवर जी सुनो, रूठने से राजवंश नहीं चलता है। रूठ कर कुंवर जी चले गए, पर मुझे कुंवर जी का रूठना बहुत अच्छा लगता है। मना लूंगी। कौन? किनारे शमशान है, तुम वहीं चले जाओ, मैं तुमको वहीं मिलूंगी। जो आ गया है
कीरत जाओ, तुम धन्य हो, आज तुम जैसे छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला है। लाओ देखूं, तुम्हें कैसे चोट लग गई चंदन? माँ, मैं महल के बाहर सैनिकों को देख रहा था, तभी फिसल कर गिर गया और मेरे पैर में एक आंच गल रही। माँ, कुंवर जी कहाँ है? वो तो आज मेरे संग भोजन करने भी नहीं गए। चंदन, वे आज तो बिना भोजन के ही तुम्हारे साया पे सो गए हैं। चलो मैं तुम्हें भोजन करा के उनकी साया पे फिरा दूँ। तुम कितनी अच्छी हो माँ, जो मैं कुंवर जी की साया पर सोऊंगा। पर माँ, राजकुमारों के गले में तो माला होती है, तूने मेरी दूसरी माला नहीं गुथी? गूथ दूंगी लाल, गूथ दूंगी, तुम सो जाओ। इतनी कोमल साया है, जी करता है इसी पर सोता रहूं। चंदन, क्या हुआ माँ, तुम ठीक तो हो ना, या मैं किसी वैद्य को बुलाऊं? नहीं चंदन, मैं ठीक हूँ, तुम सो जाओ। अरे माँ, तुम्हारे आंखों में आंसू? नहीं चंदन, तुम्हारे पैरों से रक्त की धारा बह, मेरे आंखों में आंसू नहीं। माँ, क्या हुआ चंदन, क्या हुआ? माँ, मुझे भय सा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि कोई काली छाया मुझे मारने की कोशिश कर रही है। चंदन, यहाँ कोई काली छाया नहीं है, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ ना, तुम सो जाओ। माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, कोई गीत सुना दो ना। चंदन, तुम सो जाओ, मैं तुम्हें गीत सुना देती हूँ। महाराज वनवीर, सारे राजपुतानों में तो एक ही दा है, वो भी देवी की भांति। ऐसी देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। अरे, तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं नहीं, आज कुंवर जी बिना खाए सो गए हैं। सो आज के दिन, आज तो उत्सव का दिन है, आज संपूर्ण महल में 300 सामंतों ने भोजन किया। कहाँ है उदय सिंह? मैं उन्हें अपने हाथों से भोजन कराऊंगा। नहीं नहीं उदय सिंह, किसी के हाथों से भोजन नहीं करते, मैं उन्हें भोजन करा के सुला दूंगी। तुमने दीपदान नहीं देखा पन्ना? महाराज, मेरे लिए देखने की नहीं, करने की बात है। तुम तो ठहरी संपूर्ण कामनाओं की देवी, दीपदान करके चित्तौड़ का कल्याण करोगी, मैं भी दीपदान करूंगा। पर पन्ना, एक बात कहूँ? क्या महाराज बंदी? मैं तुम्हें चित्तौड़ की एक जागीर देना चाहता हूँ, जहाँ माँ भवानी के समान तुम्हारा मंदिर बनेगा और लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। 55,000 अरे महाराज, आपके तलवार पे रक्त? रक्त? रक्त तो तलवार की शोभा है पन्ना, या उसके सिंदूर की रेख के समान है। नहीं नहीं महाराज, अपनी तलवार म्यान में रख लीजिए। पन्ना, तुम्हें तलवार से भय लगता है? चित्तौड़ में तो तलवार से किसी को भय नहीं लगता। महाराज, रात काफी हो चुकी है, जाइए, जाकर विश्राम कर लीजिए। विश्राम? जिसे राजलक्ष्मी को पाने के लिए दूर तक यात्रा करनी हो, वो विश्राम नहीं करेगा। कहाँ उदय सिंह? उन्हें मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ये नहीं हो सकता महाराज। पन्ना, चाहे जो मांगो, धन दौलत जागीर, उदय सिंह के बदले तुम्हें सब कुछ मिलेगा। राजपुतानी व्यापार नहीं करती महाराज, या तो रणभूमि में चढ़ती है या तो चिता पर। तुम इन दोनों में से किसी पे नहीं चढ़ पाओगी,
क्योंकि ये संपूर्ण महल सैनिकों द्वारा घेर लिया गया है। सैनिकों को किसने आज्ञा दी? क्या महाराज विक्रमादित्य ने? विक्रमादित्य, मैंने अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा के आ रहा हूँ। पन्ना हत्यारा बंदी, महाराज बंदीर को हत्यारा बंदीर कहती है। जीभ काट ली जाएगी पन्ना, मेरे कह देने से तू देवी हो गई। धिक्कार है बलवीर, धिक्कार है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते ही क्यों नहीं मारा? चुप रह दासी, कहाँ है उदय सिंह? महाराज बलवीर, तुम राज्य करो चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपूतानों पर राज्य करो, पर मेरे कुंवर को छोड़ दो। मैं उन्हें लेकर सन्यासिनी हो जाऊंगी। तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर ही है। महाराज बलवीर, मेरे कुंवर को छोड़ दो। दूर हट जा दासी, बहुत देख चुका नाटक। उदय सिंह का है, मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ठहरो, तुम उदय सिंह को छू भी नहीं सकते। नीच अधर्मी, तू उदय सिंह को देख भी नहीं सकता। मैं नहीं, मेरी तलवार देखेगी उसे। विक्रम के रक्त से सनी तलवार उदय सिंह के रक्त से धो जाएगी। पन्ना, नहीं हटूंगी मैं कुंवर की साया के पास से, नहीं हटूंगी। बाहरी दायमा, पुत्र को मरने का कष्ट न हो इसलिए उसे पहले ही ढक के सुला दिया। मैं इसे चीर निद्रा में सुला देता हूँ। तो तुझे तो समाप्त कर देता हूँ, पर स्त्रियों पे वार नहीं करता। अरे पापी, तुझे सोते हुए अबोध बालक पर तलवार चलाते तेरा हृदय तुझे नहीं दिखता? यही तो मेरे राह का एकमात्र घंटक है। इसकी हत्या ही मुझे राज सिंहासन तक पहुंचाएगी। यमराज, आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया है, मैं भी दीपदान कर रहा हूँ। मेरे इस दीपक को स्वीकार करो यमराज। अपनी जिंदगी के दुख दर्द नूं खुशी विच वटा। Don't do not die.